हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। इसमें दिया हुआ है थ्री क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तीन क्यूब है, थ्री क्यूब, और तीनों क्यूब को, जैसे एक क्यूब हो गया, दूसरा क्यूब और ये तीसरा क्यूब, तीन क्यूब को एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, तो एक क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाएगा। हमें क्या करना है, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो क्यूब है, हर एक इंडिविजुअल क्यूब, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है थ्री क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब, तीन क्यूब को जोड़ेंगे तो एक क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाएगा। हमें उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्यूबॉइड का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एक क्यूब है, एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इस क्यूब के साइड को पता करेंगे कि इस क्यूब का साइड क्या है। तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 216 इक्वल टू साइड क्यूब, तो ये हो गया 6 का क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, ठीक है। तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो साइड इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब का साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये हाइट 6। तो जो क्यूबॉइड बन के तैयार हो रहा है, उस क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तीन क्यूब को जोड़ने से जो क्यूबॉइड बन रहा है, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, 6 + 6 + 6, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। और ब्रेथ जो है, वो ब्रेथ तो 6 ही रहेगा और हाइट भी 6 रहेगा, ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है कि कर्व्ड सरफेस। तो सिर्फ अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ है, मतलब हम पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आ गया 2, लेंथ हो गया 18 इंटू 6 प्लस ब्रेथ हो गया 6 इंटू हाइट भी 6 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है, सॉरी लेंथ हो गया 18 इंटू 6। तो ये आ गया 2, 18 6 जा 108 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 18 6 जा 108, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ लिखते हैं टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 108 प्लस 108 108 108 हो गया 216, 216 और 36 252 इंटू 2 करेंगे तो 250 इंटू तो 500, ये आ गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही कैलकुलेट करना था, रिजल्टिंग फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।